हेलो फ्रेंड्स, मैं परम अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हम कुछ रीजंस के कारण अपना चैनल को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो अब वो टाइम आ चुका है कि हम अपने चैनल को रीस्टार्ट करने जा रहे हैं। सो जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपना जो चैनल है वो कुकिंग से स्टार्ट किया था, तो अब हम अपना रीस्टार्ट भी कुकिंग से ही करेंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं डिश है जो हमारी मशरूम मटर। उसके लिए हमने मशरूम के दो पैकेट लिए हैं, जिसको हमने अच्छे से वॉश करके इसको इस शेप में काट लिया है। मशरूम हमारी जो है ब्लू बॉक्सेस में भी अवेलेबल होती है मार्केट में, लेकिन मेरे को पैकेट वाली मिली तो मैं दो पैकेट लेके आई हूँ। नेक्स्ट हमारा जो प्याज कटा हुआ है, मैंने 2 बिग साइज के प्याज लिए हैं, उसको मैंने लंबा काट लिया है। नेक्स्ट मैंने जो टमाटो लिए हैं उसकी प्यूरी बना ली है। मैंने 3 टमाटो इसमें लिए हैं, 3 टमाटो की ये प्यूरी है। अब टमाटो भी 2 टाइप्स के आते हैं, जो एक है वो होता है पानी वाला जो खट्टे वाले होते हैं, दूसरा है जो गुद्दे वाले होते हैं। तो ये गुद्दे वाले हैं। इसकी देखो, आप देख सकते हो कितनी रेड प्यूरी आई और कितनी अच्छी यमी लग रही है। मटर मैंने लिए हैं जो निकाल के करते हैं, निकाल के यूज करते हैं, ये फ्रोजन मटर नहीं है। तो ये नियर अबाउट 1/2 kg मटर है जो हमने निकाल के इसको अच्छे से वॉश करके यूज करने जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो है कोरिएंडर, कोरिएंडर को मैंने अच्छे से धो के वॉश करके उसको काट लिया है, ब्रीक काट लिया है। ये मैंने लिया है जिंजर गार्लिक की पेस्ट। मेरे पास थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैंने इसको रेडीमेड वाली जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज करने जा रही हूँ। आपके पास अगर टाइम है तो आप नेचुरल वाली भी बना सकते हो, ओरिजिनल जिंजर गार्लिक की पेस्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई गैस पे रख चुकी हूँ और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। मैं जो यूज करती हूँ वो सफोला गोल्ड है। आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो, सरसों का कर सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज करते हो, सो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज करना चाहते हो। तो मैंने ये मेरा ऑयल है जो वो गर्म हो चुका है, उसमें मैं अपने जो कटे हुए अनियन थे वो डाल रही हूँ। थोड़े से इसको मैं ब्राउन करूंगी। अब इसको हम थोड़ा हिला देंगे तो ब्राउन होने तक थोड़ा इसको भूनेंगे। अभी जो हमारे प्याज हैं वो थोड़े थोड़े लाइट से ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें मटर ऐड करने जा रही हूँ, क्योंकि वो ये कच्चे रह जाएंगे अगर हमने इसको लेट किया ऐड ऑन। इसको प्याज के साथ ही ऐड ऑन करना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम पे इसको थोड़ा थोड़ा सौते करेंगे सो दैट ये हमारे नीचे ना लगे। हाँ जी, तो मेरे जो प्याज हैं और मटर हैं थोड़े थोड़े से रेडी हो गए हैं। तो इसमें अब मेरे को जिंजर गार्लिक पेस्ट करना है। तो 2 टेबलस्पून मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड कर दिया मैंने, और स्वाद अनुसार सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड किए हैं, आप अपनी डिश के अकॉर्डिंग कर सकते हो। एक तो ये होता है कि जब हम सॉल्ट इसमें ऐड करते हैं तो बहुत जल्दी हमारा जो मटेरियल है वो पकता है। अब मैं इसमें रेड चिली ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, गैस को मैंने थोड़ा सा सिम कर दिया है, क्योंकि जो जब हम रेड चिली इसमें डालते हैं तो वो बहुत जल्दी से नीचे लगती है और जो स्मेल के साथ आपको छींकी आ जाती है।
तो हमारी जो रेड मिर्च है वो घर की पीसी हुई है, इसलिए मैं बहुत कम डाल रही हूँ क्योंकि ये बहुत तीखी है। आप अगर चाहे तो ग्रीन चिली, अगर आप यूज करते हैं तो आप ग्रीन चिली भी डाल सकते हो। मेरे को रेड चिली अच्छी लगती है क्योंकि इससे एक तो जो सब्जी है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब मैं इसमें हल्दी भी मिक्स कर रही हूँ, 1 चम्मच टेबलस्पून। अब इसको हम मिक्स कर रहे हैं तो ये देखो अब नीचे लगना स्टार्ट हो गया है। इसमें मैं क्या करूंगी, जो मैंने ग्राइंड किए हुए हैं अपने टमाटोज उसको ऐड ऑन कर दूंगी। मैंने इसमें जो टमाटो थे वो मिक्स कर दिए हैं। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे, बीच बीच में सौते करते रहेंगे और अब इसको 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद हम इसको इसमें मशरूम्स ऐड ऑन करेंगे। अब देखो हमारे जो टमाटर है वो थोड़े पक चुका है। हमने इसको पूरा नहीं पकाना, थोड़ा सा पकाएंगे और हम इसमें मशरूम्स ऐड ऑन कर देंगे सो दैट हमारी मशरूम भी सॉफ्ट हो जाए और रेडी हो जाए और हमारा जो टमाटो है वो भी अच्छे से साथ में साथ पकता रहेगा। तो मैं इसको बीच में ऐड ऑन कर रही हूँ। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो कि जो हमारा मसाला है वो सारा उसमें मिक्स हो जाए। देखो कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, रेडिश रेडिश। बस फ्रेंड ये ध्यान रखना जो टोमेटो है ना वो अच्छे वाले लेना, तो आपका जो कलर आएगा सब्जी का वो भी अच्छा आएगा और जो टेस्ट होगा वो तो लाजवाब होगा। देखिए अभी इसको मशरूम को ऐड ऑन किए हुए को 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें आप देख सकते हो कि थोड़ा थोड़ा पानी आ चुका है। जो मशरूम है उन्होंने अपना, हमने वॉश किए हुए थे मशरूम तो उन्होंने अपना पानी छोड़ दिया है। मैं इसको देखो सौते कर रही हूँ। अभी ये जब तक पानी नहीं सूखेगा इसमें से तब तक ये रेडी नहीं होंगे। आपको पता चल जाएगा जब ये पानी सूख गया, दैट मीन्स हमारे जो मशरूम्स हैं वो रेडी हो गए हैं। तो अभी इसके लिए मैं इसको ढक नहीं रही, मेरा जो स्टाइल है वो अपना अलग से स्टाइल है। मैं इसको ढक के नहीं पका रही, इसमें नॉर्मल तरीके से पका रही हूँ। ना तो मेरा स्टाइल ढाबे वाला है, ना तो मेरा स्टाइल है जो रेस्टोरेंट वाला है। ये मेरा खुद का अपना स्टाइल है जो कि सबसे डिफरेंट है, यमी है और हाइजीनिक है। अभी मैं इसको 3 से 4 मिनट हो गए थे हमारे को पकते हुए। अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड ऑन करने जा रही हूँ। मेरा जो गरम मसाला है उसमें मैंने घर में पीसा हुआ है, इसमें मैंने जावित्री, जायफल, जीरा, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, ये सब कुछ ऐड किया हुआ है, तेजपत्ता और भी एक दो चीज़ होंगी जो अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही है। तो ये सारा कुछ मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा ही डालती हूँ क्योंकि ये गरम है, क्योंकि सब कुछ मिक्स है तो थोड़ा सा डालने के लिए करने के बाद उसको हम मिक्स करेंगे। इसकी फ्रेग्रेंस ही बहुत अच्छी है तो ये सब्जी का जो टेस्ट है ये और इन्हेंस कर देता है। तो अब ये मैं इसको ऐसे सौते करती रहूँगी दो तीन मिनट बाद फिर से, और ये फिर हमारी अब मेरे को लगता है मैक्सिमम 3 से 4 मिनट तक ये पक जाएगा।
मेरे मशरूम है जो वो बिल्कुल अभी रेडी हो चुके हैं। मैंने अपनी गैस को सिम कर लिया है और मैं इसको थोड़ा सा सौते करूंगी। मेरे मशरूम बिल्कुल रेडी हैं। पानी है जो सारा वो सूख चुका है, आप देख सकते हो। अभी मैं इसमें जो मैंने बारीक कोरिएंडर को काटा हुआ था उसको मिक्स करने जा रही हूं। मैं इसको ऊपर गार्निश तो चलो अपना वे होता है, लेकिन मेरा जो वे है वो ये है, मेरा जो मानना है कि वो सारी सब्जी में अगर मिक्स किया हो कोरिएंडर को तो उसका एक अलग से ही टेस्ट आता है। अगर आप चाहे तो गार्निश भी कर सकते हो, लेकिन जो बीच में इसका टेस्ट आता है वो एक अलग ही टेस्ट है। अब मैं इसको, ये मेरा जो मशरूम है वो फुली रेडी हो चुका है, अब मैं इसको बाउल में निकालने जा रही हूं। तो अब हमारे जो मशरूम मटर है बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। सर्व करने के लिए मैंने इसको बाउल में निकाल लिया है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो का एंड होता है। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप सपोर्ट करते रहिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।